दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका के मशहूर शहरों में से एक है न्यूयॉर्क। कभी न सोने वाला सपनों का शहर न्यूयॉर्क हर किसी के लिए यहाँ कुछ न कुछ है, फिर चाहे वो शॉपिंग के लिए सबसे बड़े मॉल्स, बच्चों के लिए कई आकर्षण और वयस्कों के लिए रोमांटिक जगहें ही क्यों ना हो। बिग एप्पल नाम से जाना जाने वाला ये एक ऐसा महानगर है जहाँ किसी भी महानगर की खूबियां आपको मिल सकती हैं। न्यूयॉर्क की ऊंची ऊंची इमारतों से तो आप वाकिफ ही होंगे, लेकिन इस शहर से जुड़ी कुछ ऐसी मजेदार बातें भी हैं जो आपको काफी पसंद आएंगी। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। अमेरिका का तीसरा सबसे बड़ा शहर है न्यूयॉर्क, और ये दुनिया में सबसे ज्यादा विजिट की जाने वाली जगहों में से एक है। इस बेहतरीन शहर की खूबसूरती के कारण हर साल करीब 6 करोड़ लोग यहाँ घूमने आते हैं। न्यूयॉर्क दुनिया के सबसे अमीर शहरों में से एक है। यहाँ के हर 21 लोगों में से एक व्यक्ति करोड़पति है। ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ऐसा शहर है जहाँ सबसे साफ सुथरे लोग रहते हैं। 2014 की एक रिपोर्ट के मुताबिक न्यूयॉर्क रहने के लिए दुनिया का तीसरा सबसे महंगा शहर है। न्यूयॉर्क शहर में लड़कियों का टॉपलेस घूमना बिल्कुल भी गैरकानूनी नहीं है। ये बात सुनकर आपको अजीब जरूर लग सकती है, पर वहां के लोगों के लिए एक आम बात है। इसके पीछे तर्क ये है कि महिलाओं को भी पुरुषों की तरह आजादी से घूमने का अधिकार है। न्यूयॉर्क के कानून के अनुसार यहाँ पर वेश्यावृत्ति इलीगल है, हालांकि यहाँ के कई जगहों पर वेश्यावृत्ति एक आम बात है। यहाँ पर वेश्यावृत्ति रस्ते में, वेश्यालय पर और कई अन्य जगहों पर देखी जा सकती है। न्यूयॉर्क में 800 से भी अधिक अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, जिससे ये दुनिया का सबसे ज्यादा भाषाओं वाला शहर बन गया है। यहाँ हर 10 घरों में से 4 घर के लोग इंग्लिश के अलावा दूसरी भाषाएं बोलते हैं। न्यूयॉर्क में बन रहा है दुनिया का पहला अंडरग्राउंड पार्क, जो 2021 तक बनकर तैयार हो जाएगा। काफी कमाल तरीके से डिजाइन किए गए इस शानदार पार्क में सोलर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। न्यूयॉर्क में स्थित चाइना टाउन इलाका आपको चीन में होने का एहसास दे सकता है। एशिया को छोड़कर सबसे ज्यादा चीनी लोग न्यूयॉर्क शहर में ही रहते हैं। ये शहर आज करीब 9 लाख चीनी लोगों का घर है। न्यूयॉर्क एक ऐसा शहर है जहां आत्महत्या के मामले इतने ज्यादा हैं कि यहां लोगों की मौत मर्डर से ज्यादा आत्महत्या के कारण होती है। अगर आप न्यूयॉर्क घूमने जा रहे हो तो वहां का फेमस स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जरूर देखिएगा। 152 फीट ऊंचा यह स्टैच्यू फ्रांस ने अमेरिका को उपहार के रूप में दिया था। इसके अलावा सेंट्रल पार्क, एम्पायर स्टेट बिल्डिंग, ब्रुकलिन ब्रिज और न्यूयॉर्क व्हील जैसी कई ऐसी शानदार चीजें हैं जिनका आनंद उठाने से कोई इनकार नहीं कर सकता। डेयरी उत्पादन में न्यूयॉर्क शहर पूरे अमेरिका में तीसरे स्थान पर आता है। आपको बता दें कि अगर न्यूयॉर्क एक देश होता तो यहाँ की अर्थव्यवस्था 12वें या 13वें स्थान पर होते। ये शहर अमेरिका का बैंकिंग, वित्त और कम्युनिकेशन का मुख्य केंद्र है। आप यकीन नहीं करेंगे, पर न्यूयॉर्क में एक ऐसी गगनचुंबी इमारत है जिसमें एक भी खिड़की नहीं है। 550 फीट ऊंची इस इमारत को 33 थॉमस स्ट्रीट के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, क्या आप लोग कभी न्यूयॉर्क घूमने गए हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आने वाली हर एक वीडियो का आपको अपडेट मिल सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।